सध्या सर्वत्र धर्माचा बाजार मांडला गेला असून सर्व आखाडेपदांची विक्री करतायत, म्हणून त्या सर्वांची चौकशी करण्याची मागणी वादग्रस्त त्रिकाल भवंता यांनी केली. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी योगेश खरे यांनी. वादग्रस्त ठरलेल्या त्रिकाल भवंता आता नाशिकमध्ये पुन्हा उपस्थित झालेल्या आहेत. त्यांना प्लॉटची जागा तर मिळालेलीच आहे, मात्र त्यांच्यावर शिवानी दुर्गा यांनी काही आरोप केले आहेत. आपण जाणून घेऊया, ते आपल्या सोबत आहेत. शिवानी दुर्गाजीने आपके बारे में कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है और वो बता रही है कि आप पदों की खरीद फरोख्त करना चाहती हैं और उसका एक बिजनेस बनाना चाहती हैं, क्या कहना है? ये सरासर गलत बोल रही हैं. शिवानी दुर्गा से चूंकि हमारे महामंडलेश्वर की मनोनीत, हमारे अखाड़े की मनोनीत महामंडलेश्वर थी, इसलिए उनसे बैठ करके बातचीत ये हो रहा था कि नासिक में किस तरह से जो टेंट लगेंगे, जो कार्यक्रम रखे जाएंगे, उनके खर्चे किस तरह से कितना लगेंगे, क्या होगा, ये बैठ करके हम लोग बात करेंगे और सारा जो आपके टेंट लगाने वाले हैं उनसे बात किया जाएगा. इस तरह की हमारी उनसे बातचीत हुई थी बैठ करके. बाकी इस तरह का खरीद फरोख्त कोई उनके अलावा और भी तमाम हमारे महामंडलेश्वर हैं, सदस्य हैं, महिला साध्वी हैं, और इन लोगों से आप पूछ सकते हो, पूरी जांच करा सकते हो. इस तरह का ना मेरा कोई पिछले पहले रहा है, ना आगे मेरा कोई है. आगे कुंभ में जो भी कार्यक्रम होंगे सब लोग देखेंगे. लेकिन आपने इसको जो अखाड़ा है इसको दुकानदारी कहा था, उसमें स्टिंग में उन्होंने हमको सुनाया, उसमें कहा कि ये दुकानदारी है, लोग बुद्धू है, उनको आप कैसे पैसे निकालने हैं उनसे, इस तरह का स्टिंग है जिसमें आपने ये बोला हुआ? नहीं, हमने ये बताया है और अखाड़ों के लिए किस तरह से उन लोगों ने दुकान बना करके रखा है और बोली वाली जनता को परेशान करते हैं. जैसा अभी आपके सामने भी आया हुआ है कि आपके सच्चिदानंद को इस तरह का जो बियर बार का बिजनेस करते हैं और तुरंत उनको चादर उड़ा करके और महामंडलेश्वर बना देना. मैं और अखाड़ों के बारे में बात किया था कि इस तरह का सारे अखाड़े वाले कर रहे हैं, और हम लोग तो अच्छा कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर सकते हैं. जहां पर इस तरह से धर्म क्षेत्र में प्रदूषण हो गया है, वहां हम लोगों को अच्छा काम करना है, इसलिए हम लोग अच्छा करेंगे. अच्छा, तो आप क्या डिमांड करेंगे कि इस तरह का जो बेचना ये हो रहा है पौधों का बाहर परिषद है, इसकी इंक्वायरी करने की आप मांग करेंगे? निश्चित रूप से, अगर इस तरह से अखाड़ों में या धर्म क्षेत्र में पीठों पर अखाड़ों में इस तरह की बातें चल रही हैं कि पैसा लेकर के पदों का सृजन किया जा रहा है, पद दिए जा रहे हैं और तमाम तरह के प्रदूषण किए जा रहे हैं, तमाम तरह के शोषण हो रहे हैं, तो इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से जांच में जो दोषी पाया जाए तो उसकी सजा होनी चाहिए. एकूणच त्रिकाल भवंता यांनी सुद्धा या पद्धतीनं पदांची खरेदी विक्री होत असल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे. नकली साधू महंत जे असतील किंवा जी काही हे सगळे पदं वाटली जात असतील याची पूर्णतः चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोनू भिडेसह योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक. याच संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊया, चर्चा करूया आमचे प्रतिनिधी योगेश खरे यांच्याशी. योगेश, गेल्या काही अनेक दिवसांपासून तुम्ही कुंभमेळ्यासाठी कव्हरेज करत आहात, अनेक साधू महंतांशी बोलात, अनेक पदाधिकाऱ्यांशी बोलात, प्रशासनाशीही बोलता आहात. हे सगळं करत असताना काय जाणवत आहे? केवळ वाद झडताना दिसत आहेत, कुंभमेळ्याचा मूळ हेतू साध्य होताना दिसतोय? खरं म्हणजे कुंभमेळ्याचा जो मूळ हेतू आहे तो बाजूला राहिलाय आणि वादांचा हा कुंभमेळा सगळा झालेला आहे. आपण जर बघितलं, सुरुवात झाल्यापासूनच कामांच्या गुणवत्तेपासून तर महिलांच्या प्रवेशापर्यंत तर आता अध्यक्षपदापर्यंत असे संपूर्ण वाद हे दररोज नवीन नवीन उत्पन्न होत आहेत. आज तर आखाडा परिषदेने CM आणि गिरीश महाजन कुंभमेळा मंत्री यांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे आणि उद्या त्या विरोधामध्ये एक विशेष बैठकही या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे जो खरा हेतू आहे की या ठिकाणी जे भाविक येतील त्यांना चांगली शिकवण देणं, त्यांना एक चांगले संस्कार देणं हे बाजूला राहिलेलं आहे, मात्र व्यावसायिकता ही सर्वत्र दिसून येते आहे. आणि इतकंच नाही तर त्या ठिकाणी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करून एक प्रतिमा मलिन करण्याचं काम जे आहे हे या ठिकाणी सनातन धर्माचं केलं जात आहे. आणि याबद्दल खरोखर अनेक चांगले जे साधू आहेत त्यांना याच्याबद्दल दुःख आहे, मात्र या पदांच्या एकमेकांच्या हेवेदाव्यांमुळे हे सगळे प्रकार होत आहेत आणि एकूणच कुंभमेळ्याची प्रतिमा ही मलिन होते. धन्यवाद योगेश, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.